आप कुंवारी हो? अच्छा, तो ये बच्चा कहाँ से आ गया? किसका बच्चा है? हमें नहीं पता इसका बाप के बारे में। इसके बाप के बारे में आपको नहीं पता? तो आपको ये भी नहीं पता इसका बाप कौन है? आपको यहाँ कौन उठा के लेके आया था? पुलिस। जेन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आखिर क्या रही दिन भर की हलचल, आइए देखते हैं। और क्या कहा जाएगा इस कलयुग में, जब एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है और जब उससे पूछा जाता है कि इसका बाप कौन है, तो वो ये कहती है इसका बाप नहीं है, इसका बाप कोई नहीं है। जब उससे पूछा जाता बिना बाप के बच्चा कैसा हुआ, तो कहने लगी प्यार की निशानी है, इसका बाप का नाम मैं नहीं बताऊंगी, प्यार की निशानी है। लेकिन ये निशानी कहां मिली, विस्तार से आपको बताएंगे। मेडिकल कॉलेज ने अपनी बाखूबी जिम्मेदारी अदा की और इसके साथ साथ पुलिस ने भी अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा करी। लेकिन इस कलयुग की महिला की एक अजीब और गरीब कहानी है जो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस महिला की स्टोरी बताने के लिए। ये महिला अपना नाम रेशमा बता रही है। इसका प्रसव रोडवेज बस स्टैंड पर चालू हुआ, जिसे थाना सदर बाजार की पुलिस को पता लगा। उसने 108 नंबर की गाड़ी को डायल करा और मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां पर डॉक्टरों ने अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ मानवता दिखाते हुए बिना ऑपरेशन के एक बेटे को जन्म दिया, भोले बच्चे को। एक बेटा इसके हुआ, बखूबी आप देख रहे हैं। लेकिन बेटा होने के बाद इसने उत्पात मचाना चालू कर दिया। बेटा हुआ और होने के बाद जितने मेडिकल कॉलेज में स्टाफ है महिला में, बखूबी आप देख रहे हैं, रईस और 181 की जिम्मेदार महिला बाखूबी इसको दिलासा दे रही है। खाने पीने का इंतजाम करा, हर संभव वो सुविधाएं दी जो कि एक जिम्मेदार इंसान के साथ मानवता जब दिखाई जाती है वो जिम्मेदारी अदा करती है। बाखूबी जिम्मेदारी अदा करी मेडिकल कॉलेज की महिला वार्ड में, और इसके बाद इसका तांडव चालू हुआ। ये कहने लगी मैं जा रही हूं, तो इसके बाद में ये कहा गया कि आप कहां जाओगी, बोली मैं कहीं भी जाऊंगी, बस स्टैंड पर जाऊंगी। तो सबका ये कहना था अभी बच्चा है आपका, नाजुक बच्चा है, क्या करोगी बच्चे का, इसलिए आपको पुलिस कस्टडी में 181 में भेजा जाएगा, वहां आपकी देखभाल करी जाएगी, बच्चे की देखभाल होगी, अच्छी देखभाल होगी। लेकिन महिला मानने को तैयार नहीं, उसका ये कहना था हर संभव मैं जाऊंगी, रुकूंगी नहीं। और इसके साथ साथ CMS शैलेंद्र सिंह ने अपनी बाखूबी जिम्मेदारी को निभाया और बेहतरीन ट्रीटमेंट करके महिला और उसके बच्चों को सकुशल, बाखूबी आप देख रहे हैं, सकुशल रखा। लेकिन महिला कांस्टेबल जिस समय आई और आने के बाद में 181 पे उसने क्या, चलो वहां आपको छोड़ा जाएगा, जिसका कोई नहीं होता है उस महिला को 181 में छोड़ा जाता है, जहां पर उसकी मदद करी जाती है, उसकी सहायता करी जाती है, उसकी देखभाल करी जाती है। लेकिन ये बच्चा लेके हम अकेले कहां जाने दे, आपका तो कोई घर भी नहीं है। लेकिन उसके बाद में महिला नहीं मानी। जी बताइए 181 से ना जी, तो आप कॉल पे आई है ये एक मानवता के नाते, मानवता के नाते मेरे पास कोई नहीं बता दे इसमें कि इसका भला हो जाए। किसने आपको कॉल करी थी? आपने कॉल करी थी? मैंने कॉल की थी। अच्छा, मैंने सबसे पहले DPO साहब को कॉल करी थी। DPO साहब की फोन जो है वो एक अर्चा मिश्रा है, तो जो वहाँ पर अपनी परसों टीम लेकर आई थी, उन्होंने बहुत दिन तक काउंसलिंग करी थी, उसके बाद ये लोग कंटिन्यू सपोर्ट में है लगे हुए हैं। हालांकि डॉक्टर और काउंसलर के अनुसार महिला मदबुद्धि नहीं है, महिला अपने होश और हवास में है, इस बात की भी हमने पूरी जानकारी हासिल करी। सुनिए जरा।
बात पे क्या महसूस करा? महसूस ये है कि ये इस बच्चे के लिए नहीं सोच रही, और हम लोगों को सिर्फ इसके बच्चे की लग रही है। हम लोग भी चाह रहे हैं कि ये एक सही जगह पहुँच जाए, सही से पहुँच जाए, इसका बच्चा स्वस्थ रहे और इनको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन वो इस बात के लिए इनकार कर रही हूँ कि हम नहीं जाना है कहीं। इन्हें इनके हाल पे छोड़ दो, इनका कहना है। लेकिन मैम ये बताइए, जिस तरीके से ऐसा लग रहा है मंदबुद्धि टाइप की भी हो सकती है? नहीं नहीं, नहीं। आपने बात करी, क्या पाया? ये बिल्कुल ठीक है, इसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो और ये रहा उसका फूल सा बेटा। हालांकि इस मामले में सीएमएस शैलेंद्र सिंह ने अपनी बाखूबी जिम्मेदारी निभाई। जब उनसे पूछा तो क्या कहना था? सर, एक रेशमा नाम की अज्ञात महिला आई थी जिसका बच्चा भी हो गया और बड़ा एक मेडिकल कॉलेज एक मानवता सराहनीय कार्य करा, तो पूरा मामला क्या है सर? देखिए, इसको जो है हमारे पुलिस कॉन्स्टेबल इसको ले आई थी, अज्ञात रूप में थी रेशमा, जिसको अच्छे बच्चे की प्रॉब्लम थी, तो हमारे अस्पताल में उसको रख के पूरी तरह से उसकी केयर की गई। अब पूरी तरह से वो जच्चा बच्चा सही स्वस्थ है और अब इसको हम डिस्चार्ज करने की प्रोसेस में है, लेकिन चूँकि अज्ञात है इसलिए पुलिस को सूचना दे दी। और इधर डिस्चार्ज होने की पूरी तैयारी, लेकिन उससे पहले हर चीज का चेकअप हुआ, हर चीज का रेशमा के खान पान का ध्यान रखा गया, यहां तक बच्चे का बीपी और रेशमा का बीपी सब कुछ देखा गया। लेकिन जब हमने पूछा रेशमा से विस्तार से कि आखिर रेशमा ये बताओ इस बच्चे का बाप कौन है, तो रेशमा ने खुलकर हमसे बात करी। किस अंदाज में, जरा सुनिए। जरा क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? इसका नाम नहीं रखा है अभी। आपका क्या नाम है? नाम रेशमा। रेशमा नाम है। पति का क्या नाम है? पति नहीं है, मेरे घर वाले नहीं है। घर वाले नहीं है। कब चले गए? क्या दुनिया से चले गए या कहीं चले गए? नहीं, शादी नहीं करी। शादी नहीं करी? अच्छा अच्छा अच्छा। आप कुंवारी हो? अच्छा, तो ये बच्चा कहाँ से आ गया, किसका बच्चा है? हमें नहीं पता इसके बाप के बारे में। इसके बाप के बारे में आपको नहीं पता? तो आपको ये भी नहीं पता इसका बाप कौन है? आपको यहाँ कौन उठा के लेके आएगा? पुलिस। आप कहाँ के रहने वाली है? मेरा घर मकान नहीं है। वैसे कहीं तो रहती होगी आप? कहीं नहीं, हम एक जगह कहीं नहीं रुकते, हम सब में आते जाते रहते हैं। अच्छा, सबसे पहले कहाँ रुकी थी जो वहाँ से आई? हरदोई रुके। अच्छा अच्छा। हरदोई, पहले पीलीभीत, हरदोई, पासगंज, कानपुर, नखलो, सब में आते जाते रहते हैं। हम घूमते, हमारे घर ही मकान नहीं, हम तो सब में आते जाते रहते हैं। अच्छा, आज यहाँ है कल वहाँ है। तो आपके माता पिता भी नहीं है? माता पिता सबको ही, हमसे उनसे कोई मतलब नहीं है। आप रहने वाली वैसे कहाँ की है? पीलीभीत तरफ रहने वाले हैं। अच्छा, तो घर से क्या निकली आई थी क्या? हमें 8 साल हो गए घर से निकले। अरे, ना मैंने शादी करी ना मेरा कोई घर वाला। अच्छा, 8 सालों में पेट कैसे, रोटी कैसे चल रही है? अपने ऐसे खा कमा रहे हैं। अच्छा, कहीं काम हम करती हैं? हम काम नहीं करते हैं, मांगते खाते हैं। अच्छा, मांगती हो आप, मतलब मांग खा के पेट भरती हो या कहीं काम वाम कर लेती हो? थोड़ा बहुत बैंक में पैसा पड़ा है। अच्छा, कितना पड़ा है? पड़ा था। अच्छा, बैंक में भी पड़ा हुआ है, अब नहीं है? अच्छा, जहाँ जहाँ काम करने जाती हो या मांग वालों ने, बैंक वालों ने हमारी बेईमानी कर दी पैसे की। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, जहाँ जहाँ काम करती हो या मांगती हो? कोई काम नहीं करते हैं। तो ये किसने आपको निशानी दी, किस मांग ने जिससे मांगा? आपको निशानी दी किस मांग ने जिससे मांगा? आपको निशानी दी किस मांग ने जिससे मांगा? जी पता नहीं कौन है इसका बात, मुझे नहीं मालूम। आप जी पता नहीं कौन है इसका बात, मुझे नहीं मालूम। आप जी पता नहीं कौन है इसका बात, मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं पता? जब ये इसके जब गर्भ ठहरा था तो आपको पता नहीं था? पता था सब कुछ। अच्छा, लड़के का हमारे पास। अच्छा अच्छा, ये प्रेम प्रसंग की निशानी है या किसी ने जबरदस्ती करा? जबरदस्ती किसी ने नहीं करा। अच्छा अच्छा, प्रेम प्रसंग। तो वो छोड़ के भाग गया क्या? हाँ, नहीं जाते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं तो आप बता दो ताकि वो अपने बच्चे को देखेगा तो खर्चा देगा वो? नहीं, सब पता है।
उसे पता है? अगर आप कहो तो हम उसे मोबाइल से बुलवा दें? नहीं नहीं, आप कहो तो हम उसे सूचना दे दें? वो कहाँ का रहने वाला है? वो कहाँ का रहने वाला है? हैं? अरे इसमें वो कहाँ का रहने वाला है? पीलीभीत से आगे एक रहने वाला है। अच्छा अच्छा, तो ये संबंध वही पीलीभीत में भरे थे, शाहजहानपुर में बने? हम उसके ऐसे ही रहते रहे, उसके घर पे, अपने घर पे लेके गया 2-3 महीने। अच्छा अच्छा, तो 2-3 महीने अपने घर में लेके गया, उसके घर पे रहते रहे। अब उसने कोई कुंवारी लड़की करी है। अच्छा, उसने कोई कुंवारी करी है, तो शादी नहीं करी उनने? नहीं, बिना शादी के बच्चा हो गया। आप क्या चाहती हो, आपको न्याय मिले? ऐसे ही लेके आप उसके साथ भाग के गए थे? अच्छा, मुझे साफ साफ बता रहे हैं। हाँ, भाग के गए थे अब उसे, हमें मतलब नहीं। तो आप ये नहीं चाहती हो कि आपको न्याय मिले? ना। तो ये बच्चा कैसे पालोगी आप? पाल ही देंगे, सब पाल देने, कितने पाल रहे हैं, हमें पाल लेने क्या है? बाहर पड़ी है, बच्चा ले लेके नहीं, बच्चा लेके तो पड़ी है, लेकिन जिसका बाप, जिसका बाप का नाम नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा? है रेशमा, ये तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी आगे, बहुत परेशानी होगी। तो नाम तो बताओ। और रेशमा ये चाह रही थी कि उसको छूट दे दी जाए, लेकिन मेडिकल कॉलेज के साथ साथ पुलिस ने भी छूट देना रिस्क समझा और 181 के हवाले करने के लिए जब चली तो क्या तांडव किया रेशमा ने, देखिए। हालांकि रेशमा चाह रही थी उसके बच्चे को और उसको आजाद छोड़ दिया जाए, लेकिन कहां जाती, क्या होता, इसलिए पुलिस ने भी रिस्क नहीं लिया। हालांकि उनने आरोप लगाए, रेशमा ने पुलिस के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए, निराधार आरोप लगाए, लेकिन पुलिस ने उसकी परवाह नहीं करी क्योंकि सारी वीडियोग्राफी हो रही थी। और इसके बाद 181 सरकारी निगरानी में भेजा गया ताकि बच्चा और जच्चा के साथ कोई घटना ना हो। If you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.